जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल सरकारी फॉर्म पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससीबी इंटर कॉम्पिटिटिव चेक ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में। तो दोस्तों, इंटर में जो भी छात्र छात्रा एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट आ चुका है। अगर वो अपने रिजल्ट से असंतुष्ट है तो अपना कॉपी को दोबारा जाँच करा सकते हैं और वो अपना रिजल्ट को बढ़वा सकते हैं या कॉपी जाँच होने के बाद उनका रिजल्ट घट भी सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, आइए इसके बारे में पूरी जानकारी पाते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है allsarkariform.com। जी दोस्तों, गूगल में सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा allsarkariform.com होम पेज। तो जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है। इसका लिंक हम आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में आ जाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दो नंबर पे दिया हुआ है बीएससीबी इंटर कॉपी रीचेक एंड बीएससीबी इंटर स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई 2022। तो जस्ट आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें नीचे आने पे आप पूरा पढ़िएगा। इसको पूरा पढ़ने में आप देखिएगा बिहार इंटरमीडिएट के लिए कॉपी रीचेक और स्क्रूटनी कंपार्टमेंटल के लिए आवेदन हुआ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखिएगा जो भी छात्र छात्रा इंटर के रिजल्ट से खुश नहीं है वो अपना कॉपी दोबारा चेक करा सकते हैं। और इसके लिए बिहार बोर्ड 16 मार्च 2022 को इंटरमीडिएट का 12th का रिजल्ट जारी कर दिया था, जिसमें बहुत से छात्र छात्रा अपने रिजल्ट को लेकर खुश नहीं है। तो कॉपी रीचेक फॉर्म अप्लाई के लिए 23 मार्च से आवेदन शुरू हो गया है और इसका आवेदन का लास्ट डेट जो है वो 30 मार्च 2022 है। तो दोस्तों, इसका जो आवेदन का मोड होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। यहाँ पे आप देखिएगा बिहार बोर्ड इंटर कॉपी रीचेकिंग क्या है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ऐसे छात्र जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वो बीएससीबी इंटर स्क्रूटनी फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनका उत्तर पुस्तिका की जांच दोबारा की जाएगी तथा उन्हें पुनः उनके रिजल्ट में सुधार किया जाएगा। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में होगा। बीएससीबी इंटर रीचेकिंग फॉर्म अप्लाई के लिए आवेदन 23 मार्च से 30 मार्च 2022 तक होगा। उसके बाद से दोस्तों आवेदन फी देखते हैं। तो दोस्तों, आवेदन फी एक सब्जेक्ट का 70 रुपया रखा गया। जी दोस्तों, आप जितने भी सब्जेक्ट का रीचेक कॉपी करवाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको पैसा देना होगा, जिसमें एक सब्जेक्ट का 70 रुपये देना होगा। उसके बाद से देखते हैं इसका रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, इसका रिजल्ट जो है वो अप्रैल माह के मध्य तक आ सकता है। और इसके लिए रिजल्ट आपको कैसे चेक करना है, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं या आप हमारे ये वेबसाइट पर आके चेक कर सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा हम आपको बता देंगे तथा आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद से देखते हैं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़िएगा, पहले बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जिसका डायरेक्ट लिंक नीचे दिया हुआ है। इसके बाद से वहाँ पे 12वीं स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद से जो भी जानकारी आपसे उसमें पूछा गया होगा, रोल कोड, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम आदि, इस सबको सही सही भरना है। उसके बाद से कॉपी रिजेक्ट की संख्या के अनुसार आपको फी का भुगतान करना है, जिसका ऊपर डिटेल दिया जा चुका था, जिसमें एक सब्जेक्ट का आपको 70 रुपया लगेगा। उसके बाद से भुगतान करने के बाद आप ऑनलाइन माध्यम से उसको जमा कर सकते हैं। उसके बाद से फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्त, आप यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट डेट वाले सेक्शन में, तो आपको दिया हुआ है अप्लाई जो स्टार्ट डेट हो वो 30 मार्च से शुरू हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च 2022 है और शुरू जो डेट है वो 23 मार्च है। तो दोस्तों, आपको और थोड़ा नीचे आना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में देखिएगा, यहाँ पे स्क्रूटनी के लिए, इस पर क्लिक करके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और यहाँ से आप स्क्रूटनी का जो नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, जिसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप हमारे सोशल मीडिया से भी, व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली सभी सरकारी फॉर्म की अपडेट दी जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।